भाई यहाँ पे भी दो नंबर ही स्टार्ट कर दिए इन्होंने। ठीक है टिकट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे और एक नए व्लॉग के साथ आपको लेकर आए हैं फैमिली पार्क में, जो कि जो है आपको आगे जो है बताते हैं कि कहाँ पर ये जो है वो वाक़ है। अगर जो है आप वीडियो के दरमियान या वीडियो में पहचान जाइए पार्क किस तरफ है तो नीचे कमेंट पे जो है ज़रूर बताइएगा, ताकि जो है हमें नॉलेज हो कि भाई आप लोग जो है यहाँ पर होकर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी, जैसे मेरे पीछे जो है अभी मैं टॉप की तरफ खड़ा हूँ तो जो है ये मंज़र आपको पीछे का मेरा दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पार्क हैं, स्विंग्स वगैरह हैं बच्चों के हवाले से, बाकी जो इंस्टॉल्स हैं खाने पीने के हवाले से, वो काफ़ी जो है अच्छा इंटरटेनमेंट जो है वो यहाँ पर जो है देखने को हमें मिल रही है चीज़ें। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में जुड़े रहिएगा और अगर चैनल पर नए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो फिर आओ शाबान के साथ। भाई यहाँ पे देख सकते हैं ये डग वाला सीन है यहाँ पे, और तालाब बनाया हुआ है यहाँ पे प्रॉपर, और डग्स वगैरह यहाँ पर जो है अपना एंजॉयमेंट कर रही हैं। देख सकते हैं माहौल फुल जो है वो सनसेट वाला भी माहौल चल रहा है, और बस ये है कि इसमें जो है ना चाहिए कि भाई इसको जो है ना हिसाब किताब यहाँ का बेहतर करें, यहाँ की जो इंतज़ामिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो भाई बताते चलें पार्किंग वगैरह का इंतज़ाम यहाँ पर है। और दूसरा ये कि जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बैठने का इंतज़ाम किया गया है, सीट्स वगैरह लगाई हुई हैं। बाकी ये जो है यहाँ पे काफ़ी साल से जो है ये खाली पड़ा हुआ होता है, पूल वगैरह होता है, ये फवारा आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये काफ़ी अरसे से जो है ना इस पर कोई जो है इंतज़ाम ऐसा ख़ास नहीं किए जा रहे हैं। अगर इंतज़ाम में बेहतरी की जाए तो जो है ना यहाँ पे काफ़ी पब्लिक जो है वो यहाँ पर आके एंजॉय कर सकती हैं और जो है यहाँ पर जो है फैमिली को लेके आ सकती हैं। वैसे भी अभी नॉर्मली जो है जाहिर सी बात है कराची में इतना जो है वो घूमने फिरने के इंतज़ाम इतने ख़ास नहीं हैं, अगर कहीं हैं भी तो जो वहाँ पर जो है कड़ी एहतियात से जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम आपको जो है पार्क दिखा रहे हैं, पार्क से आगे जो है फिर वो आपको स्विंग्स वगैरह दिखाएंगे कि भाई बच्चों के हवाले से क्या स्विंग्स हैं, बड़ों के हवाले से क्या स्विंग्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और अभी जो है वो सनसेट वाला सीन चल रहा है और रात होने वाली है, तो आपको फिर मंज़र दिखाते हैं। चाचा ये बेच रहे हैं, ज़रा मालूम करते हैं कितने में बेच रहे हैं। चाचा कितने का है? 50 रुपीस। क्या बात है भाई, इसके साथ ये फ्री है, 50 रुपीस में ये दे रहे हैं, प्लस जो है ये दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों साथ देंगे। ठीक है, ज़बरदस्त, इसको ले लेते हैं। ज़रा करके बताएं ज़रा। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये दो स्विंग्स हैं, एक ये स्विंग्स हैं और एक ये स्विंग है भाई। बच्चों के हवाले से जो है ये भी है मौजूद, स्लाइड वगैरह। ठीक है, और स्विंग वगैरह भाई देख सकते हैं ये जो है स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे फन सिटी के नाम से, और एंटर हो रहे हैं यहाँ पर और एंटर होकर टिकट वगैरह लेते हैं। तो भाई टिकट ले ली अभी हमने और अब जो है हम दाखिल हो चुके हैं मेन एंट्रेंस पे, जो कि जो है यहाँ पे स्विंग्स वगैरह के हवाले से जो है चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे, जो है वो प्ले लैंड वगैरह बच्चों के हवाले से और दूसरी चीज़ें मुख्तलिफ हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पर, स्टॉल्स वगैरह हैं और दूसरी चीज़ें जो है आप लोग को देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई खाने पीने के इंस्टॉल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर ये प्ले लैंड है बच्चों के हवाले से, और फिर यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, और फिर ये जो है यहाँ पर आपका स्विंग्स वगैरह का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जो है वो बैक कैमरे से दिखाते हैं फर्दर मंजर। भाई ये हॉर्स वाला झूला है और देख सकते हैं कि जो है बच्चों के हवाले से बच्चे बड़े जो है वो खुश हो जाते हैं यहाँ पर पार्क में आकर। भाई यहाँ पे भी दो नंबर ही स्टार्ट कर दिए इन्होंने। ठीक है, टिकट लेने गए यहाँ पर
तो भाई स्टैम्प आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 50 रुपये का टोकन है यहाँ पे, मगर कह रहे हैं कि भाई स्टैम्प 100 रुपये लगाया तो 100 रुपये आप देंगे, ठीक है भाई। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मंज़र अभी जो है पेश कर रहा है। अभी जैसे जैसे रात हो रही है तो जो है आप देख सकते हैं ये कार वाला झूला है बच्चों के लिए, ये जो है वो राउंड मंज़र देख सकते हैं। ऊपर जाके जो है आपको बिठाते हैं, ठीक है, आप भी इंजॉय करें हम भी इंजॉय करते हैं, ज़रा देखते हैं कि भाई कितना ऊपर जा रहा है और कैसा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास ये आ जाता है यहाँ पे बच्चों के हवाले से, ठीक है, ये आ गया झूला, ठीक है। मोस्टली जो है अभी मेरी बात हुई है यहाँ पे इंतज़ामिया से तो वो यही कह रहे थे कि भाई हमने रेट बढ़ा दिए हैं, मगर टिकटों पे जो है ना रेट हमारे वही चल रहे हैं क्योंकि टिकटें छप गई थी हमारी, ठीक है। तो 100 रुपये जो है सब झूलों के 100 रुपये हैं, सिर्फ डॉजिंग कार के जो हैं यहाँ पर 150 रुपये हैं, ठीक है। ये डॉजिंग कार आ गई, आप देख सकते हैं भाई डॉजिंग कार के 150 रुपये हो गए। और फिर काफ़ी अच्छा जो है वो मंज़र यहाँ पे पेश कर रहा होता है, फैमिली के हवाले से आए, साफ़ सुथरा पार्क है, ठीक है। और अली बाबा, भाई अली बाबा उठा के ले जाएंगे हमें ऊपर भाई, ये तो अली बाबा आ गए हमारे। फिर ये फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह जो है यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है इन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह के हवाले से। फिर ये आगे जो है यहाँ पर कप्स वगैरह जो है यहाँ पर कप्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। फिर हॉर्स आ गए, फिर आगे भी दिखाते रहते हैं, जुड़े रहिएगा। देख सकते हैं कितना डेंजर जो है ये झूला है, ठीक है, बच्चे इसमें नहीं बैठे, ये सिर्फ बड़ों के लिए है झूला। इसकी टिकट जो है वो 100 रुपये टिकट है। क्या मंजर पेश कर रहा है यार, जबरदस्त। इसके भी 100 रुपये टिकट है। भाई अब बैठ गए हैं हम इस झूले में और अब थोड़ा सा जो है हम भी झूले का मजा लें, आए हैं तो फिर झूले तो खा के ही जाएंगे ना भाई कुछ। वाह भाई वाह, क्या बात है। अगर इसी तरह के एडवेंचर चाहते हैं तो जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। भाई जैसा कि जो है आप देख रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है हम लोगों को यहाँ पर, और जो है काफ़ी इंजॉयमेंट की जगह है, एडवेंचर है यहाँ पर, ज़रूर विज़िट करें यहाँ पर। और साफ़ सुथरा माहौल आपको दिखेगा और बड़ा जो है हम लोग जो है हर झूले का एक अपना मज़ा है। तो यहाँ पे जो है बहुत से झूले हैं और यहाँ पे इत्तेफाक ये हुआ कि जो है ट्रेन जो है हमें ट्रेन में बैठना था, मगर ट्रेन जो है इत्तेफाकन जो है वो उस वक्त ख़राब हुई भी थी, मगर जो है वो जिसकी वजह से जो है हम बैठ ना सके ट्रेन पे, मगर ट्रेन पे भी बड़ा जो है इंजॉयमेंट वाला सीन होता है और काफ़ी जो है ना अच्छी ट्रेन यहाँ पर जो है मौजूद है जैसे आप देख सकते हैं। और
भाई जैसा कि जो है आपने वीडियो उम्मीद करते हैं पूरी देखी होगी और आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, चीज़ें देखी होंगी भाई यहाँ पर कौन कौन से स्विंग्स मौजूद हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे स्विंग्स यहाँ पर मौजूद हैं और फैमिली को ज़रूर यहाँ पर लेकर आए, विजिट कर रहे हैं। काफ़ी जो है कराची में जो है इस तरह के माहौल काफ़ी कम होते हैं, मगर जो है ये फैमिली के हवाले से काफ़ी सिक्योर अच्छी जगह है। हिल पार्क इसका नाम है, हिल पार्क पर हमने आज विज़िट किया, आपको दिखाया तो यहाँ पे क्या क्या स्विंग्स मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।